सब अतिथि मो सहित बर्तमान जोड़ी जाइंट स्टूडियो आलोचना परिचय करदे चाहिए आम सहित अच्छा डॉक्टर प्रशांत साहू संविधान विशेषज्ञ और श्रीयुक्त रवि दास अच्छा राजनीतिक समीक्षक तथा वरिष्ठ सांबादिक आप समस्त स्वागत करुच्ची एवं रविबाबू आप आरंभ करी सीएए लागू जिते पास भी हैला आमे लोकसभा राज्यसभा आमे प्रथम थर देखी राज्यसभा कि अटकी जाइला तापे पुणी 2019 जिते बड़े सरकार पुणी थे क्षमता को आसे तापर ये पास हो पारा राज्यसभा राष्ट्रपति अनुमोदन पाइला 2020 जनवरी नहीं कि वर्तमान मार्च 2024 विज्ञप्ति जारी करा जाउछि लागू करा जिबो एवं किछ दिन पूर्व आम अमित शाह कथा बारंबार विभिन्न जदि कहपर जो सम्मेलन गुड़िक शुणीचे सभार शुणीचे जो सीएए निश्चित भाव में लागू कर दिजिव निर्वाचन पूर्व लागू तो होने एक नहीं कि होहा आरंभ हो गला आपणकर प्रतिक्रिया नेबी टिके प्रथम आप देख तो ठीक जहाँ कहले जितेबले आईन टी गृहत होगा 2019 पर आपण कौन है से आईन टी गृहत होगा समय रे निजे स्वराष्ट्र मंत्री पार्लियामेंट्रे जो क्रोनोलोजी पेश करथिले ये सीए हेगला एनआरसी हम एनआरसी की सीआईए सहित सीए सहित जो जोड़ी दिया जाए ये गोटे भयंकर स्थिति एवं होते देखते सीए होगला भारत वर्षरे विशेष भाव मुस्लिम संप्रदाय एवं अन्य केवल मुस्लिम संप्रदाय नुह ता विरुद्ध में बहुत दृढ़ प्रतिवाद कले साइन बाय कथ आपण समय जानते उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज है गुड़माड़ भी है आसाम विभिन्न स्थान विरुद्ध कहीं आर मौलिक कथि हूँ जहाँ आप कहले कह नागरिक चली जाऊनि कितु प्रथम तरफ भारतीय व्यवस्था नागरिकत्वपी तो गोटे धर्म आधार को अणगला जो कारण हो कि भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये धर्म आधार को आसवा केवल अण मुसलिम मैने जो मैंने पड़ोसी राष्ट्र मानक राष्ट्र स्पेसिफिकली अत्याचार शिकार होती कारण होती से मानक से मानक ये प्रथम थर पर भारतीय आईन नागरिक व्यवस्था धर्म कथा को जोड़गला जदि जो भारत एक धर्म से गोटे बेसिक पॉइंट एवं जिते बड़े विरोध है आप देखते से सकाशे या विरुद्ध मेजोरीटी मुसलिम मैने भी जो मैंने धर्मनिरपेक्षता आदर्श विश्वास करती से दल मैंने से लोक मैंने विरोध करते पार्लमेंट बंद देखी एवं साइन बाय घटना को लेकिन जो कथा है आप मैंने समझ भी जानते दिल्ली दंगा भी होता तापरपरी घटन एवं से घटना मत कह मनु रेपर्त जाए कथा हूँ जे चार वर्ष काल आप नोटिफिकेशन कले रूट फ्रेम करवाचन घोषणा को जा दिन भितर देखो दिने दिन तीन दिन भितर निर्वाचन समय घोषणा हो तारीख घोषणा निर्वाचन कमिशन करेंगे क्या 2019 मार्च 10 तारीख में निर्वाचन घोषणा होता आज 10 या 11 है 12 13 14 15 आप गोटे निश्चित दिन कराक पड़ो निर्दिष्ट समय निर्वाचन आपड़ यही समय यू अणगला कहीं यू अणाजार कारण कौन हो पाए आम जानू एवं यहाँ कार्यकारी करने निर्वाचन पर ही कार्यकारी हम आपड़ कार्यकारी करें कि करें कि आज कहीं कले या कले ये या बल गोटे ध्रुवीकरण राजनीति सृष्टि हम ये ध्रुवीकरण राजनीति सबुबले जोड़ा सब चाहूँ भी शासक दल ये ध्रुवीकरण राजनीति हेले से माने किछि ना किछि फायदा पाइबे ध्रुवीकरण राजनीति फलाफल आप देखी बिल्कुल बिल्कुल ये डेलिकेट सिचुएशन ये सरकार जानी थे जेटा बहुत डेलिकेट बा संवेदनशील हाबाकू जाउची सेतिपे आगुरु फोर्स दिल्लीर विभिन्न जगह आम जानीचे विभिन्न स्थान में मुतयन करूँ मु सांविधानिक दृष्टिकोण भी टी जाना चाहिए विजय बाबू आप लास्ट टी आसबी डॉक्टर प्रशांत साहू आम सहित अच्छा डॉक्टर प्रशांत जो भाव में कहा जाते बहुत गुड़ाक
गोटे एम्पावर्ड कमिटी रहा एमती इजिली गोटे हेइजबनी जिए भी गोटे ऑनलाइन रे तो आवेदन पत्र देबे तो संग संग हेइजबनी गोटे एम्पावर्ड कमिटी बसिबो केबे आसीतिले केबे भारत भितर प्रवेश कले सेटा डिसेंबर 14 पूर्व रहितबो ई सब टिके भारी इजी नहुए प्रूव करिया पई या पूर्व रु म आसीची तनो ए जिनिस को ने कि गोटे भारी सिंपल निश्चित रहिबो नाही तरु एको ने कि गोटे लंबा गोटे जांच कमिटी बसिबो तरु डरिबार नाही एकथा कुहा जाउची तनो ई जदि आमे देखिबा प्रकृतरे लोकंकर जो रहिची जो डर बा भय प्रकृतरे भय करिवार किछि कारण नाही कि नहीं मु प्रथम कथा हला जो माने सीए र जो एई अमेंडमेंट आ हिच सिटीजनशिप एक्ट रे सिटीजनशिप एक्ट 1955 रो अछि बिल्कुल एबे तादरे गोटे अमेंडमेंट करा हिची एटा गोटे स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट रे गोटे पर्टिकुलर प्रोविजन जडा हिची ता द्वारा रेस्ट ऑफ द जो सिटीजनशिप एक्ट अछि तादरे जो रूल्स आ क्लॉजेस अछि सेटा कोनोसी भाबरे नेगेटिवली अफेक्टेड हो नाही जोटा रविदास महोदय कहिले जे जदि कोनोसी मुस्लिम भारत को आसी तापाई भी तो प्रोविजन अछि ना सिटीजनशिप एक्ट रे असाइलम प्रोविजन अछि आपनकर सिटीजनशिप नबा पई रजिस्टर करिया पई नेचुरलाइजेशन करिया पई सब प्रोसेस अछि एटा केवल गोटे टिपिकल अमेंडमेंट जोटा को आमे प्रोमिस करथिले 1947 रे जेहेतु भारत से समय ए भलिया गोटे आर्टिफिशियल जियोग्राफिकल डिविजन रे परिणत हेला बिकज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस तेणु जो माने से जो जगह रहीगले राइट अच्छे सेफली रहा कि जगह ये रही पार ना जस्ट बिकज दे बिलंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन जेहेतु रिलीजन हूँ तार कारण परसिक्यूशन कारण कौन परसिक्यूशन कारण रिलीजन यहाँ नुहे से देश में क्राइम कर पलि आसा नुहे से करप्शन कर पलि केवल से हिंदू बोली केवल से क्रिश्चियन बोली केवल से पारसी बोली रखे दि जाऊ ना हईरा करा यहीटा ही रिजन जो यहीटा रिजन जदि जड़े सपोज जड़े हिंदू पाकिस्तान रू क्राइम कर पलि आसाइलम सिकिंग करू थ सी कौन क्लॉज रे सिटीजनशिप पाइब कि आपड़ जदि किसी न जाना भाया खाली कथा जे सेनसीटिव फलाना ठिकाना कौन सेनसीटिव आदि अच्छी अरे जी आसी सिटीजनशिप अप्लाई कर तार कौन असुविधा अच्छी सेकेंड कथा है जे अदर प्रोविजन असम रे लोक माने काहे के आ एते माने विरोध काहे को असम रे सुनो असम रे विरोध होची जोटा अखय बाबू कहिले 71 डेट कथा जे से भाबु चंदी जे 71 परे जो माने हिंदू बा अदर कम्युनिटी लोक आछंदी से माने पुने रहि जिवे एवं तांकर जो नेचुरल इशू होसी तापर बडन पडिबो से डेट ता अलग कथा डेट उपर आमे डिसाइड करि परिबा इनफैक्ट आपण देखंतु पाकिस्तान भारत आ बांग्लादेश रे गुटिए भूखंड थिला एबे जदि आपण बांग्लादेश बा पाकिस्तान रे जो माने रही गले बा आगर जो ईस्ट पाकिस्तान थिला सेटा तो ईस्ट पाकिस्तान बोली काउंट करी लगु प्रोमिस कराई थिला ना से तो बांग्लादेश नथिला 1947 रे ना तेनो से जो प्रोमिस रा कराई थिला से प्रोमिस टा को बर्तन फुलफिल करा देउ छी दे ये बेते प्रश्न आसी गानी नै टिके कहि सरे आपण ब्रेक जिबार अछि आपण जो बाकी कथा जो सेंसिटिव इलेक्शन समय रे काहे कि दंगा हेतला इत्यादि इत्यादि ताकू वी आर हैविंग स्टैंडर्ड लॉज जे दंगा करिवो ताकू सेतरे डील करा जिवो दैट इज नॉट द इशू इश्यू होउची एटा को बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट काहे कि इंटरप्रेट करा जाउची एवं इंटरप्रेट करिकरी जो जो लोक माने कथा बुझु नाहंती बा जो सेंसिटिव लोक जो मानु को ताको काहे कि प्रोवोक करा जाउची एवं ए प्रोवोक जो माने करूचंती से मानको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रे काहे कि अरेस्ट करा जाउ नै यार बर्तन उत्तर खोजियार आवश्यकता आछी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रे किछ असुविधा नै जे आसीचंती एई ग्राउंड रे आसचंती से माने जे क्राइटेरिया फुलफिल करिवे तांकर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो सिटीजनशिप पाइबे ना पाइबे परन को कहबा कथा डॉक्टर प्रशांत साहू यार कॉन्टेक्स्ट ही नाही यार बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट दंगा भी सेमती आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हला साइन बैग भी से हला एबे भी जो माने से कथा कहउचंती दे आर अ पार्टी टू दोस कॉन्स्पिरेसीज राइट नाउ इटके क्विकली जे बा रबाबू आपन पाकु आसीबे नै प्रकृति तले एबे भी एमिति कथा आसुचि काहे के म्यांमार रोहिंग्या क कथा काहे आमे कहिबानी तिब्बत रो जो बौद्ध माने अछंती तांको कथा काहे कहिबानी केवल इ पर्टिकुलर एई तीनिटि देशर जो माने माइनॉरिटीज रहिले काहे के से मानन कथा एपरि श्रीलंका जना पड़ी भावी क्रोनोलोजी होम कहले एनआरसी क्या कहीदे आसाम जो कहला अक्षर साहब कहले मुझे आसाम क्या ईशास गुरुत्व से 72 आसाम आकड़ अनुसार 71 थिला बर्तमान 2014 को आसला एथेर जो गैप रे जो लोक माने रही गले एवं सेवान गांचे एनआरसी बडर किछि लोक
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହିସାବପତ୍ର ନଦେଇପାରି କିଛି ଲୋକ କନସେନଟ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଉଇଦାଉଟ ଭର୍ଚୁଆଲି ସିଟିଜେନସିପ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇଟା ଏଇ ଆଇନଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଆପଣ 31,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଏନଆରସି ସହିତ କାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଏନଆରସି ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ ସିଟିଜେନ ଯିଏ ଭାରତରେ ସିଟିଜେନ ନୁହେଁ ଭାରତକୁ ଇଲିଗାଲି ପଶି ତାକୁ ଧରା ହବ ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ମୁସଲିମ ହଉ ବୌଦ୍ଧ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ତା ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ସିଏ ଏଇଟା ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 1947 ଆମେ ପ୍ରୋମିଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପୋଜ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିକି ହେଲା କି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯଦି ପର୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯିବ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦେୟାର ହିନ୍ଦୁ ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ କେଉଁଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ତ ରହିବେ ନା ତାଙ୍କର ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଦେଶ ଭାରତ ନା ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଦେଶ ବୋଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବି ତାଙ୍କ ଦେଶ ସେ ତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ରହି ନପାରିବ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ପୁରେଇକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ପୁରେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରିବା ରାୟଟିଙ୍ଗ କରେଇବା ତାର ନାରେଟିଭ୍ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଚଳେଇବା ଭାରତ ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାରେ କ'ଣ ଭାବ ହେଲା ଯଦି ଭାରତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଯଦି ସେ ପାଇବେ ତାକୁ ଭାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ ଖାଲି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ରଙ୍ଗ ନାରେଟିଭ୍ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଲେ ମାର୍କେଟକୁ ଖାଲି କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ହବ ଆଜ୍ଞା ରବାବୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ବିଲକୁଲ ସମୟ ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ମମତା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ରଖିବି କେରଳର ଯଦି ପିନାରାୟ ବିଜୟନଙ୍କ କଥା କହିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗୁ କରେଇଦେବିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ଆଇନ କାନୁନର କଥା କହିବା ଇଏ ପସିବୁଲ କି କ'ଣ ହବ ଏକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ରବି ଦାସ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଥିଲେ ବିଜୟ ଦାସ ଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ